हेलो बच्चों, हेलो, हाय, हाय, प्रभारी प्रधानाध्यापक यूएमएस रुकमंजरी गोरल वैशाली। मैं 2006 से अपने विद्यालय का लीडर के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन जब से हमें एनसीएसएल नीपा द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त हुए थे लीडरशिप का, उससे हम बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए और उसको अपने विद्यालय पर लागू करने का प्रयास किया। उसके नतीजा में बहुत सारे परिवर्तन हमारे विद्यालय में देखे। परिवर्तन में बच्चे जो हमारे ड्रेस में नहीं आते थे वो 100% ड्रेस में आने लगे, और जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो उनके प्रशिक्षण द्वारा जो हमें बहुत सारे आयाम बताए गए उनको लागू करने के बाद ड्रॉप आउट रुक गई। उसके बाद हमारे बच्चे हमारे एक लीडर के रूप में हमारे सभी शिक्षक साझा करने हैं, उसकी जैसी वातावरण मिला जिसको हम अपने विद्यालय पर लागू करने का भरपूर प्रयास किए। आज उसी का नतीजा है जो हमारा विद्यालय इतना विकास की ओर जा रहा है। हमारे बच्चे सब ड्रेस में आते हैं, अच्छे ढंग से शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। जो भी प्रशिक्षण में जो मुख्य बातें जो हमसे छूट रही थी इतने लीडरशिप के रूप में, उसको मैं लागू करने का भरपूर प्रयास किया हूँ। मैं सभी अपने बिहार के सभी शिक्षक बंधुओं से, लीडर से, विद्यालय प्रधान से आग्रह करता हूँ, जो प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं हमें निपा द्वारा, उसको अपने अंदर लाएं और अपने विद्यालय को बदलने का प्रयास करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है जो विद्यालय बदल नहीं सकता है। विद्यालय बदलने की अगर आप में आत्मविश्वास हो तो आप जो बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो स्वतः समाज जुड़ेगा आपसे, बच्चे जुड़ेंगे आपसे, सभी का कोऑपरेशन मिलेगा, शिक्षक साथियों का कोऑपरेशन मिलेगा और एक बेहतर लीडर के रूप में आप विद्यालय का विकास कर सकते हैं। लीडरशिप का मतलब यह नहीं होता शासन करना, लीडरशिप का मतलब होता है जो सबों के सहयोगात्मक भाव के साथ सबों को मिलाकर विद्यालय का विकास करना, चाहे वो बच्चे हों चाहे हमारे शिक्षक साथी। मैं इस NCSL के माध्यम से जो भी प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुए हैं वह बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त किए हैं हम लोग, और एक लीडर को कैसे अपने विद्यालय को विकास की ओर ले जाना है वह बेहतर प्रशिक्षण हमें उससे मिलता है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को या प्रधानाध्यापक को बिहार के सभी लीडर को यह बताना चाहता हूं कि आप अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसको लागू करें। एक लीडर की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारे विद्यालय विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए, सभी आयामों को अपने विद्यालय में लागू करें। यह कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, वह असंभव नहीं है। असंभव को ही NCSL प्रशिक्षण के द्वारा संभव बनाने का प्रयास करते हैं, जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से हम बहुत लाभ प्राप्त करते हैं और हमारे मैं अपने बिहार के सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक लीडर के रूप में बिहार को आगे बढ़ाएं। हमारा शैक्षिक सह गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। मैं धर्मेंद्र प्रखंड साधन सेवी प्रखंड ग्रोल ग्रोल में हम लोग कई गतिविधि करते हैं जो नवाचार के रूप में एजुकेशन के को बढ़ावा के लिए होता है। उसी क्रम में 82 स्तर पर एक पेंसिल बैंक की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी बच्चे
विद्यालय पोशाक में आते हैं उनको प्रोत्साहित करें पेंसिल उपहार देकर। बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और अभी तक हम लोगों ने लगभग 20 से 30 विद्यालयों पर यह गतिविधि की है। आज गर्मित मध्य विद्यालय रुकमंजरी पर न सिर्फ हम लोगों ने बच्चों के बीच में इसको वितरण किया, आम लोगों के सहयोग से यह संचालित हो रहा है। जनप्रतिनिधि हो गए, पदाधिकारी हो गए, शिक्षक हो गए या आम ग्रामीण हो गए, वह पेंसिल बैंक में पेंसिल डोनेट करते हैं और हम लोग विद्यालय पोशाक वाले बच्चों में वितरण करते हैं। बिना पोशाक वाले बच्चों को भी हम लोग इसको बांटते हैं और उनसे यह एक शपथ लेते हैं कि हम एक सप्ताह में या 10 दिन में अपना पोशाक बनवा लेंगे। इसका काफी बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस लीडरशिप कोर्स करने के उपरांत मुझ में और मेरे विद्यालय में काफी परिवर्तन आया है। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि जी हां, हमारे विद्यालय बदल रहे हैं, हमारा बिहार बदल रहा है।